नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बिहार की कई नदियां, गंगा नदी का भी बढ़ा जलस्तर। स्ट्रॉबेरी की खेती पर बिहार सरकार देगी भारी सब्सिडी। नेपाल से आए पानी के बिहार में जल संचय का ब्लू प्रिंट तैयार। राज्य में खुलेगा 1428 डेयरी फॉर्म, सरकार देगी सब्सिडी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 26 जिलों में सामान्य से कम बारिश की वजह से 10% भी नहीं हुई रोपनी। इस बार जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश देर से शुरू हुई है, जिसका असर अब सीधा खेती पर पड़ रहा है। जून में बिल्कुल भी बारिश नहीं होने की वजह से किसान समय पर धान का बीज नहीं गिरा सके, तो वहीं 1 जून से 9 जुलाई तक राज्य के 26 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से इन जिलों में अब तक 10% भी रोपनी नहीं हो सकी। कुछ जिलों में अब तक 2% से भी कम रोपनी हुई है। सही समय पर रोपनी नहीं होने की वजह से उत्पादन में 15% तक की कमी आ सकती है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बिहार की कई नदियां, गंगा नदी का भी बढ़ा जलस्तर। मॉनसून की सक्रियता के साथ ही बिहार में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई नदियां अपने उफान पर है, जिसके वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार राज्य में गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियाँ कई स्थान पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर भी कई स्थानों पर 1 मीटर तक बढ़ा है। हालांकि अभी भी गंगा सभी जगहों पर खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है, लेकिन बढ़ते जलस्तर की वजह से दियारा इलाके में लोगों को अभी से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली छठ में अब घर आना नहीं होगा आसान, सभी ट्रेनें अभी से हुई फुल। बिहार और यूपी के लाखों लोग काम की वजह से अपने घर और राज्य से बाहर दूसरे शहरों में जाकर रहते हैं, लेकिन जैसे छठ महापर्व का त्यौहार आता है, हर बिहारी अपने घर वापस आना चाहता है। लेकिन इस बार प्रवासियों के लिए पर्व पर अपने घर वापस आना आसान नहीं होने वाला है। इस बार दिवाली और छठ में पटना सहित बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर आने वाली सभी ट्रेनें अभी से ही फुल होने लगी हैं। हालात यह है कि अभी से ही कुछ ट्रेनें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं और उसकी बुकिंग भी बंद कर दी गई है। नेपाल से आए पानी के बिहार में जल संचय का ब्लूप्रिंट तैयार। मॉनसून के दिनों में नेपाल से बिहार आए पानी को अब तक बिहार संचय नहीं कर पाता है और यह पानी बहकर बंगाल चला जाता है। जल संचय नहीं होने से बिहार में हर साल गर्मी के मौसम में 60 से अधिक नदियां सूख जाती हैं। अब राज्य सरकार पानी को बिहार में ही स्टोर करने की योजना तैयार कर रही है। जल संसाधन विभाग ने इस गंभीर समस्या से लड़ने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार किया है। योजना के अंतर्गत नेपाल से आए पानी को बिहार के नदी, नहर यानी कि धार, चौर और तालाब में सहेजा जाएगा। धार और तालाब को सूखने से बचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों के लिए विभाग ने अलग अलग योजना तैयार की है। अधिकारियों के अनुसार उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों की प्रवृत्ति अलग अलग है, इसलिए दोनों क्षेत्रों की नदियों के लिए अलग अलग योजना तैयार की गई है। बिहार में बढ़ रहा साइबर अपराध, IAS प्रत्यय अमृत के नाम पर हो रही साइबर ठगी। बिहार में लगातार साइबर अपराधों का आतंक बढ़ता जा रहा है। राज्य के अंदर कई साइबर अपराधी गिरोह सक्रिय हैं, जिनके निशाने पर न सिर्फ आम लोग हैं बल्कि अब खास लोग भी साइबर अपराधियों के निशाने से नहीं बच पा रहे हैं। नए मामले में बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नाम पर उनके ही विभाग के अधिकारियों से साइबर ठगों द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। प्रत्यय अमृत की तस्वीर के साथ व्हाट्सएप कॉल के जरिए अधिकारियों को कॉल कर पैसे की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से IAS अधिकारी भी धोखा खा जा रहे हैं। अब इस बाबत प्रत्यय अमृत ने EOU के DIG को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में इंस्पेक्टर संजीव कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्ट्रॉबेरी की खेती पर बिहार सरकार देगी भारी सब्सिडी। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में बिहार के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय ने पहली बार स्ट्रॉबेरी को शामिल किया है। शुरू में कई जिलों में 5 हेक्टेयर में इसकी खेती का लक्ष्य रखा गया है। पारंपरिक खेती के साथ आमदनी बढ़ाने वाली खेती की ओर किसानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिलहाल स्ट्रॉबेरी की खेती पर प्रति हेक्टेयर 8,40,000 की लागत तय की गई है, जिसमें किसानों को 40% अनुदान के तहत मात्र 3,36,000 रुपये देने होंगे।
कृषि विभाग उद्यान निदेशालय द्वारा इसके लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में खुलेगा 1428 डेयरी फॉर्म, सरकार देगी भारी सब्सिडी। राज्य भर में 1428 नए डेयरी फॉर्म खोले जाएंगे, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 5000 युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा, जबकि राज्य में इससे सालाना 1,25,77,900 लीटर दूध में बढ़ोतरी होगी। डेयरी फॉर्म खोलने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से 25,45,53,053 रुपया जारी किया गया है। इसके लिए 15 अगस्त से विभाग द्वारा पोर्टल पर आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने की जब्त। ईडी ने बिहार में बड़ा एक्शन लिया है। बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व उच्च शिक्षा के उपनिदेशक विभा कुमारी की 2.5 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए 2002 के तहत केस दर्ज किया है। विभा कुमारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2022 में ईओयू ने विभा कुमारी के पटना, दानापुर और वैशाली स्थित 3 ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की थी, जिसमें यह पता चला था कि उनके पति के नाम पर बड़ी राशि शेयर और म्यूचुअल फंड, बैंक और अन्य बीमा कंपनियों में लगाई गई है, जबकि उनके पति का कोई प्रत्यक्ष आय का जरिया नहीं है। जिला प्रशासन के सभी कार्यालय अब होंगे एक छत के नीचे। पटना में अब जिला प्रशासन के सभी कार्यालय एक छत के नीचे होंगे। 10.74 एकड़ में निर्माण हो रहे मुख्य भवन से कुल 39 विभाग को संचालित किया जाएगा। एक जगह कार्यालय होने से अब समन्वय स्थापित करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसके डिजाइन विद्यमान एवं आधुनिक वास्तु शैली का सरलीकृत मेल होगा। यह भवन समाहरणालय भवन, बेसमेंट एवं भूतल के अलावा 5 फ्लोर का होगा। यह भवन सितंबर मध्य तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह जानकारी भवन निर्माण कार्य में प्रगति की समीक्षा के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव सह पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार ने दी। राजस्व एवं भू सुधार विभाग के 2 अधिकारियों को मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया निलंबित। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 2 अधिकारियों पर बड़ी कार्यवाही हुई है। इसी कार्यवाही के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सुमित कुमार राजस्व अधिकारी बोधगया और अविनाश कुमार अंचल अधिकारी बोधगया को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्यवाही भू एवं राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के निर्देश पर हुई। मंत्री ने कहा है कि विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। मोकामा से कोइलवर तक 133 किलोमीटर लंबा जेपी गंगा पथ का होगा विस्तार। मोकामा से कोइलवर तक जेपी गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत दोनों ओर 122 किलोमीटर का विस्तार होगा। इसके बाद इस पथ की लंबाई 143 किलोमीटर हो जाएगी। पहले चरण में दीघा से दीदारगंज तक का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में दीघा से शेरपुर और दीदारगंज से करजान तक सड़क का विस्तार होगा, जबकि तीसरे चरण में करजान से मोकामा और शेरपुर से कोइलवर तक सड़क का विस्तार किया जाएगा। जेपी गंगा पथ के विस्तार की वजह से बिहार के बाहर दिल्ली और यूपी जाना भी आसान हो जाएगा। बता दें कि जेपी गंगा पथ के मोकामा तक विस्तार की घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को जेपी गंगा पथ के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर राजनीति तेज। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलने की मांग अब तेज हो गई है। सीएम नीतीश की पार्टी जदयू ने पहले भी बिहार के लिए विशेष पैकेज या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग की थी। अब मंत्री श्रवण कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग कर दी है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए दोनों सदनों से प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी बिहार की बहुत सहायता की है और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की सहायता जरूर देगी। नीतीश सरकार की राजनीति का अंतिम दौर। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर बोला बड़ा प्रहार। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार डिल्यूजनल हो गए हैं। उन्होंने सीएम नीतीश के इंजीनियर के सामने हाथ जोड़ने वाले बात पर कहा कि कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयान दर्शाते हैं कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति क्या है और उनकी मनोदशा क्या है। नीतीश कुमार को या तो कुछ समझ नहीं आ रहा या वो डिल्यूजनल हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का यह अंतिम दौर चल रहा है।
विधान परिषद के तिरहुत स्नातक सीट पर जेडीयू के इस उम्मीदवार के नाम की चर्चा। आज जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी और लिखा कि आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से मिलकर आगे की राजनीति मिशन के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसके बाद से ही अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक झा तिरहुत स्नातक सीट से जदयू के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से सांसद चुने जाने के बाद विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट खाली हो गई है। अब इस सीट पर जल्द ही चुनाव कराया जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। अगले साल 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ANI से बातचीत में BCCI के एक सूत्रों की ओर से कहा गया है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा और जल्द ही BCCI ICC से चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू में बदलाव करने को लेकर बात करेगा। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार BCCI ICC से मांग करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई या श्रीलंका में कराए जाए। हालांकि अभी इस बारे में BCCI की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, बाबुल मरांडी, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, नौसाद रजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, वेद प्रकाश सिंह, संजीव कुमार, देवेंद्र प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राम बाबू दास, मोहम्मद इरफान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम को पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।